हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज हम फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। और ये जो मुझे रीडिंग के लिए जिसने रिक्वेस्ट की थी वो हमारे सब्सक्राइबर्स में से एक है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। बट उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि थर्ड पार्टी रीडिंग करे और तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक पिक अ कार्ड रीडिंग की जाए, ताकि आप जो भी सिचुएशन में हो आपको एक क्लैरिटी मिले, आपको एक एंजल से एक आंसर मिले। और क्या क्या उम्मीद आप इस रिलेशनशिप से रख सकते हो, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, आपके रिलेशनशिप में आई है, नहीं आई है, हम इसकी क्लैरिटी आज ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन पाइल्स स्प्रेड आउट किए हैं। फर्स्ट पाइल है जिस पे मैंने ब्लू स्टोन रखा है, सेकेंड पाइल येलो स्टोन, थर्ड पाइल पिंक स्टोन। तो आप आंखें बंद करें, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप आंखें बंद करें और अपने क्वेश्चन को मन में दोहराए, यूनिवर्स से, एंजल से अपने क्वेश्चन का आंसर मांगे, उनसे पूछे अपने क्वेश्चन का आंसर, आपको ज़रूर इस टैरो और इस पाइल से उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, तो आई होप आप सब ने अपना अपना पाइल चूज कर लिया होगा। क्या आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है? उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स देखने को मिलेगी। आप पुरानी रीडिंग्स भी देख सकते हो, अगर आप उनमें से किसी रीडिंग से रेजोनेट कर रही है आपकी सिचुएशन, करंट सिचुएशन, तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक दी अदर वीडियोज़ ऑल्सो। हाँ, इस वीडियो के बाद में चेक कर लेना, पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशंस, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है बेल आइकन दबाने के बाद, उसे ज़रूर ऑन करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और मेरी कोई भी रीडिंग आप मिस ना करें। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी 100% आपको हेल्प कर पाऊँ, आपकी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी दे पाऊँ और मैं एंजल्स की मदद से आप तक मैसेजेस पहुंचा पाऊँ, ताकि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो मुझे उम्मीद है अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस करके आपने ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लिया होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये जो हम सब टैरो रीडर्स ये जो वीडियो बनाते हैं, इट्स नॉट दैट ईजी, हमको बहुत सारी मेहनत भी लगती है इसके पीछे। तो अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, अपने फीडबैक्स कमेंट में लिखेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें भी लगेगा कि यस, हम भी मोटिवेट होंगे एंड वी वांट टू रियली हेल्प यू गाइस टू यू नो, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन में आप लड़ रहे हो या जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, हम लोग चाहते हैं कि आप उससे बाहर निकले। वी वॉन्ट यू टू गाइड थ्रू दैट। ओके, सो ये सब बातें अब साइड में, हम जाते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपने अपना स्टोन सेलेक्ट कर लिया, अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। और हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में फर्स्ट जो पिन किया हुआ कमेंट होगा उसमें टाइम स्टैम्प दिया है, तो आप डायरेक्टली जंप कीजिए अपनी अपनी रीडिंग पे। थैंक यू। तो जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया था, ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आई थिंक जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके लाइफ में, हम थर्ड पार्टी के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जो देख रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सोचना, स्ट्रेस, और उस वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन और बहुत सारी चीज़ों में वो पर्सन अभी इन्वॉल्व्ड है। आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन से ज़्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमोशनली वो जो भी पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात करना एंड चैट करना, बहुत सारे अगर लड़के होंगे तो बहुत सारे लड़कियों से चैट करना, बहुत सारे लड़कियों को मिलना, वट एवर, दे हैव सराउंडेड देमसेल्व्स विद बहुत सारे लोगों को अपने पास रख के वो आपसे, वो आपके साथ रह रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, क्योंकि
अगर आप उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो आई थिंक यू हैव ट्रू फीलिंग्स फॉर देम, एंड आई डोंट थिंक कि वो आपकी इस फीलिंग्स को जस्टिस दे पाएंगे, क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, देर माइट बी मैनी गर्ल्स और मैनी बॉयज़ दे मस्ट बी टॉकिंग टू, एंड दे आर वेरी कूल रिगार्डिंग दिस कनेक्शन दे हैव विद यू. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनके लाइफ में रहो नहीं रहो, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत से ऑप्शंस है. आई सी देम जगलिंग विद मैनी पीपल, मैनी ऑप्शंस. दिस इज़ द सिचुएशन आई सी. बुरा लग रहा है ये सब बोलते हुए, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द एनर्जी यू हैव गॉट. क्लियरली आप देख सकते हो कार्ड्स, ये जो स्प्रेड यहाँ पे है, जस्ट लुक एट द पिक्चर्स. फर्स्ट वन इज़ द कंपैरिजन, सेकंड वन लोनलीनेस, स्ट्रेस, पार्टिसिपेशन, एग्जॉशन. आई मीन व्हाट एल्स क्या मैं आपको बताऊँ इस बारे में. आई मीन इफ यू आर डीलिंग विद सच अ पर्सन जो हजार लोगों से बात कर रहे हैं एंड दे आर नॉट श्योर, और वो आपको प्रायोरिटी तो दूर की बात है, दे आर जस्ट बिजी इन देयर लाइफ टॉकिंग टू गर्ल्स एंड बॉयज, देन आई डोंट थिंक सो के इट इज वर्थ गिविंग अ ट्राई, और यू नो अब सोचे भी इस रिलेशनशिप के बारे में. ये भी मुझे लगता है कि ये आपका टाइम वेस्ट है. आप बहुत अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट राइट पर्सन फॉर यू. डेफिनेटली थर्ड पार्टी की सिचुएशन तो है ही. दे यू नो वो आपको बहुत सारे लोगों से कंपेयर करते हैं. आपके मतलब जब आप इनसे बात करते होंगे आपको फील होता होगा दे मस्ट बी कंपेयरिंग विद यू विद अदर गर्ल्स और अदर बॉयज, कि वो तो ऐसी है यार, तुम तो ऐसे हो, मुझे वैसे मिल जाती तो कितना अच्छा होता. दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हैज़ हैपन टू यू इन योर कनेक्शन. आप सोच के देखो, ये बंदा या ये बंदी इतने ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं कि उनको आपकी एग्जिस्टेंस भी फील नहीं हो रही है. दे चैट टू मैनी पीपल, दे मीट मैनी पीपल, दे मेक फ्रेंड्स, और ऑनलाइन चैटिंग, स्ट्रेंजर्स से चैटिंग, यहाँ चैटिंग, ये बातें वो बातें. दे आर यू नो सराउंडेड बाय गर्ल्स और बॉयज, वॉट एवर, जो भी मतलब आप अगर लड़की हो तो वो आपका बंदा हज़ार लड़कियों से बात कर रहा है, एंड अगर आप बंदे हो तो आपकी बंदी बहुत सारे लड़कों से बात कर रही है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि बात करना बुरी बात है, लेकिन इफ़ इट इज़ समथिंग मोर देन फ्रेंडशिप और मोर देन अ कैजुअल चैट, देन ऑब्वियसली वो आपसे चीट ही कर रहे हैं, राइट. सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर पाइल नंबर वन. अगर आप उनके लिए सीरियस हो, डू कंसिडर टॉकिंग टू देम, डू कंसिडर क्लियरिंग आउट थिंग्स. उन पे थोड़ा आप अवेयर रहो. मैं नहीं चाहती कि जो भी ये पाइल की रीडिंग देख रहे वो हर्ट हो एट द एंड. आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट हर्ट. आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ माई सब्सक्राइबर फैमिली टू गेट हर्ट. तो मैं चाहती हूँ यू टॉक आउट थिंग्स. आप क्लैरिटी लाओ, खुद इनिशिएटिव लो कि नहीं मुझे सच्चाई जाननी है. डोंट स्टे इन डार्कनेस, दिस विल हर्ट यू इन न्यू फ्यूचर, राइट. सो प्लीज़ 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 डोंट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड. टाइम पे मत छोड़ो कि मुझे पता चल जाएगा तब मैं देखूँगी या देखूँगा. दे आर डेफिनेटली टॉकिंग टू मैनी, दे आर डेफिनेटली सीइंग मैनी पीपल. सो अगर आप सीरियस हो एंड यू वॉन्ट टू टेक दिस टू नेक्स्ट लेवल, बात करो उनसे या जानने की कोशिश करो कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, तो ही आप चीज़ों को सुधार के यू कैन टेक दिस रिलेशनशिप टू अनदर लेवल, राइट. सो डोंट वरी, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू. जो सच्चाई है आई एम टॉकिंग दैट टू यू एज अ फ्रेंड और एज अ गाइड. मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती आप हर्ट हो. एंड यस, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर वन. और पाइल नंबर वन मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और
किसी रीडिंग की आपके पास अगर कोई रीडिंग आप देखना चाहते हो स्पेसिफिकली, वो क्वेश्चन आप कमेंट में लिखे और ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है नहीं करी है, प्लीज़ प्लीज़ आपके फीडबैक्स दीजिए, थैंक यू। सो हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये येलो स्टोन चूज़ किया था पाइल नंबर 2 के लिए, ये रीडिंग है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, हम इसके आंसर्स आज ढूंढेंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर स्ट्रेट अवे जवाब देना है तो नो, देर इज़ नो, नॉट अ साइन ऑफ एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन एज फार एज द एनर्जीज आर, मतलब जो एनर्जीज मुझे मिल रही है दे आर ओके, कुछ भी गलत नहीं हो रहा आपके पीठ पीछे या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चीटिंग काइंड ऑफ थिंग मुझे नहीं लग रही है। बट आई थिंक आपके रिलेशनशिप में वो स्पार्क और जो जिस इंटेंसिटी से प्यार होना चाहिए एक दूसरे के साथ या अफेक्शन केयर जो भी होना चाहिए, आई थिंक दैट इज़ मिसिंग। यू नीड टू रीइग्नाइट योर लव फॉर देम और दे नीड टू, आप दोनों को एफर्ट्स लेने चाहिए अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर डेफिनेटली फ्यूचर में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एवरीवन वांट्स लव, राइट? तो अगर ये सिचुएशन आपकी तरफ से है तो डू कंसिडर रिपेयरिंग थिंग्स और चेंज करने की कोशिश करो सिचुएशन को, क्योंकि अगर बहुत देर तक यू कीप देम स्टक एंड यू कीप देम अनसर्टेन अबाउट दिस रिलेशनशिप, आई डोंट थिंक सो कि दे हैव एनी अदर वे। आफ्टर ऑल एवरी वन वॉन्ट्स लव, राइट? सबको प्यार चाहिए, सबको केयर चाहिए होती है। अगर वो नहीं दे रहे, टॉक टू देम स्ट्रेट अवे। कम्युनिकेशन से बेटर कोई चीज़ नहीं होती रिलेशनशिप में। अब बात करें उनसे, वॉट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप क्लियरली उनको पता है। अभी तो फिलहाल करंट एनर्जीज ये है कि नो, वो आपको चीट नहीं कर रहे, बट द स्पार्क इज डेफिनेटली मिसिंग। कुछ तो मिसिंग है इस रिलेशनशिप में। आप सोचने की कोशिश करें, खुद को पूछे कि क्या मेरी तरफ से ये चीज़ है, बिकॉज एट द एंड इट कैन यू नो लीड टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन। और मैं नहीं चाहती कि आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए, राइट? आई थिंक मैनी केसेस में ये आपके एक्स हो सकते हैं या फिर यू आर इन रिलेशनशिप विद देम बट किसी चीज़ के वजह से आप में बात नहीं हो रही है एंड यू आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, या बात हो भी रही है तो बहुत ही ऊपर ऊपर लेवल पे, डीप कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रहे हैं, डीप बातें नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, यू बोथ आर लाइक कटे हुए हो एक दूसरे से। सो इग्नाइट दैट स्पार्क, लाओ अपने रिलेशनशिप को, एक नई सिरे से शुरुआत करो। लुक गाइज, इफ यू वॉन्ट अ पर्सन टू बी विद यू, सो थिंक के आपकी तरफ से क्या चीज़ उन्हें देनी है आपको। लव रिलेशनशिप्स में गिव एंड टेक मस्ट होता है। यू गिव लव, यू रिसीव लव, यू गिव रिस्पेक्ट, यू रिसीव रिस्पेक्ट, राइट? यू गिव अटेंशन, आप ये नहीं बोल सकते उनको, आप खुद उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो और फिर सोच रहे हो कि यार उसके लाइफ में कोई और आ गई है, ही इज़ चेंज्ड और शी इज़ चेंज्ड। नो, यू मस्ट, यू नो, आपको हर एक लेवल पे उनको हैप्पी रखना है, राइट? इफ़ यू आर पार्टनर्स, आपको अगर साथ रहना है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरिंग देम, सो यू मस्ट ट्राई और एफर्ट डालना चाहिए आपको रिलेशनशिप में, अदरवाइज इट कैन श्योरली लीड टू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, तो ये मेरी एडवाइस है आपके लिए, जो एंजल्स ने मुझे बताया है आपको बताने को। देर नीड्स टू बी अ चेंज। अगर उनकी तरफ से आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो आपको प्यार नहीं कर दिखा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लुक गाइस, एक्सप्रेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे तो आप उनसे बात करिए, क्लियर आउट थिंग्स, क्लियर आउट द स्टक, ये जो ऑब्स्टेकल और ये जो रुकी हुई एनर्जी है ना आपके रिलेशनशिप में, इसको निकाल दीजिए। इट्स गोइंग टू बी अ न्यू ईयर इन फ्यू डेज, राइट?
दो तीन दिनों बाद एक नए साल की शुरुआत हो रही है। 2020 को एक टर्न लाइए अपने रिलेशनशिप में। लेट द सिचुएशन चेंज। जैसे साल बदल रहा है, वैसे आपको आपकी थिंकिंग और आपकी इंटेंसिटी, जिस एफर्ट से आप इस रिलेशनशिप को रख रहे हो, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। अदरवाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आनी ही है, राइट? यू वोंट गिव देम लव, दे विल सीक दैट लव फ्रॉम एनीवेयर एल्स। सो वाई डू दैट? अगर आप उनसे प्यार करते हो तो जताओ, डू स्पेशल थिंग्स फॉर देम, गिव देम गिफ्ट्स, यू नो, बाहर घूमने जाओ, उनसे बात करो। हमेशा ही ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे यू कांट बी हाइडिंग योर फीलिंग्स, राइट? गुस्सा हुआ है उनको मनाओ, प्यार करो, प्यार दिखाओ, तो ही ऐसे सिचुएशंस नहीं आएंगी। ओके, सो देर इज़ नो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर रीडिंग व्हाटसोएवर, बट बी अवेयर, एंजल्स आर टेलिंग मी टू गाइड यू, और मैंने वो गाइडेंस आपको दे दी है। आई होप आप समझ गए हो। रीइग्नाइट करो अपने रिलेशनशिप को नए साल में। नए साल की वेट ही मत करो, आज से, अभी से शो देम योर लव, टॉक टू देम, कम्युनिकेट। ओके, तो ही आगे जाके आपका रिलेशनशिप सस्टेन करेगा। कोई पर्सन ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता जो डेड है या ऑन ऑफ सिचुएशन है। आज बात कर रहे, कल 10 दिन बात नहीं कर रहे, नो, इट्स नॉट गोना लास्ट। इफ़ यू लव देम, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन शोइंग योर लव टू देम, तो ही आपका रिलेशनशिप अच्छे मोड़ पे रुकेगा। एंड गुड न्यूज़ फॉर यू, नो थर्ड पार्टी सिचुएशन, दे आर लॉयल टू यू। हो सकता है आपसे कनेक्शन टूट गया हो, आपके हाथ में भी है, उनके हाथ में भी है, दोनों को म्यूचुअली इस रिलेशनशिप को बचाना है इफ़ यू वॉन्ट टू। यही मैं आपको कह सकती हूँ। नया साल है, नई शुरुआत करो। और रिलेशनशिप में और एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप उनके और करीब जा सकते हो, वो है फिजिकल इंटीमेसी, इफ़ नीड बी। और अगर आप उस लेवल तक मैच्योरिटी रखते हो दोनों म्यूचुअली, तो गो फॉर इट, गिव देम लव, टेक लव एंड बी हैप्पी। ओके, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये पिंक, बहुत ब्यूटीफुल, मुझे ये कलर बहुत पसंद है पहले तो, और ये पिंक स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए जो ये रीडिंग है वो है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है। तो आज हम इसके लिए आपको क्लैरिटी देंगे। ओके, सो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। नो, आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है। उल्टा मुझे तो ये फील हो रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू ग्रो विद यू, दे वॉन्ट टू गिव यू एवरी हैप्पीनेस जो आप चाहते हो और जो आप डिज़र्व करते हो इस रिलेशनशिप में। आई डोंट सी एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन व्हाट्सोएवर, राइट? आई थिंक जिस तरह से वो इस रिलेशनशिप के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरीके से, मैं चाहती हूँ आप भी उसी एफर्ट्स के साथ उनको वो, यू नो, यू गिव देम बैक वॉट एवर दे आर गिविंग टू यू। कहीं ऐसा ना हो कि वही अकेले हैं जो कर रहे हैं हर एक चीज़, एंड यू आर जस्ट टेकिंग टेकिंग एंड नॉट गिविंग एनीथिंग एल्स। मैंने पाइल नंबर 2 के लिए भी यही बताया था कि लव रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होना ही चाहिए। यू गिव लव, टेक लव, रिस्पेक्ट, केयर, दोनों म्यूचुअली होना चाहिए। बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर बैलेंस बिगड़ा तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन आएगी ही, बिकॉज एवरीवन वांट्स लव। हर एक को ऐसा पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में कि कम से कम वो उसे प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे, राइट? आई थिंक नियर फ्यूचर में वो आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू आने वाले साल में। हो सकता है वो
आपके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, आपको कहीं लेके जाएंगे घूमने, या कोई बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट यू आर लॉन्गिंग फॉर, जो आप बहुत ही दिनों से चाह रहे थे और उन बातें करते करते आपने उनसे शेयर किया हो तो, या आपके आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है, राइट? दे डेफिनेटली वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप, नो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं नज़र आ रही है। और अगर किसी किसी सिचुएशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में फ़िलहाल कुछ झगड़े की सिचुएशन लग रही है मुझे, बात नहीं कर रहे हो, या आई डोंट नो व्हाट, कनेक्शन नहीं लग रहा है दोनों के बीच, बट प्यार है डेफिनेटली, वो ऑनेस्ट है आपके लिए, लॉयल है पूरी तरह से, और आपके मन में जो ये डाउट है आप निकाल दीजिए, नो दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू, दे आर नॉट लुकिंग टू एनी अदर पर्सन फॉर अ न्यू कनेक्शन, वो बस इस आने वाले नए साल में आपके लिए बहुत सरप्राइजेस है आपके लव लाइफ को लेके। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ एंगेज्ड हो जाओ, मैरिज आपकी हो जाए, राइट? अगर आप शादीशुदा हो तो ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, ये आपको सरप्राइज करेंगे। आई थिंक बहुत से केसेस में बेबी होने के भी चांसेस है, यू विल गेट बेबीज विद दिस पर्सन अगर आप मैरिड हो तो, और ये रीडिंग देख रहे हो तो। बहुत ब्यूटीफुल मुझे सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बर्थ ऑफ योर रिलेशनशिप, एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग। आप दोनों भी एक दूसरे की वैल्यू को समझोगे कि यार ये पर्सन मेरे लिए क्या था। दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और दोनों भी, बोथ ऑफ यू शो लव टू ईच अदर। अगर आप फिलहाल बात नहीं कर रहे हो, फिलहाल आप में कोई भी कोई भी झगड़े वाली सिचुएशन या आर्ग्यूमेंट्स, या ऐसा लग रहा है आपको कि यार सच में ये पर्सन मेरे लिए है ये नहीं है, ये रिलेशनशिप लास्ट करेगा नहीं करेगा, बट डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू। इसके साथ आपको लाइफ की हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करने मिलेगा, और जो मैंने बात कही है सरप्राइजेस वाली, 2020 में डेफिनेटली आप इस रीडिंग पे वापस आके मुझे बोलना कि ये हुई है चीज़ या नहीं हुई है। डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज जो आपके पार्टनर ने प्लान किया हुआ है इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ओके? आई होप कि इसी तरह आप दोनों का प्यार ग्रो होता जाए। डोंट बी सस्पिशियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, उनके लाइफ में कोई भी तीसरा पर्सन नहीं है, वेदर दिस रीडिंग इज़ फॉर कपल्स और वेदर दिस रीडिंग इज़ फॉर जो रिलेशनशिप में है, शादी हो चुकी है, वॉट एवर द सिचुएशन मे बी, नो ही शी नो दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू, दे आर नॉट लुकिंग फॉर समवन एल्स, कनेक्शन लॉस्ट है तो उसे रीगेन करें, क्योंकि 2020 इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल फॉर यू रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ। एंड अगर आपको कोई और रीडिंग चाहिए प्लीज़ डू कमेंट, और आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको गाइड करूं, राइट? जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे और रीडिंग्स और बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ हेल्प मी थ्रू दिस, सपोर्ट मी, एंड जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो ऑलरेडी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मेरी फैमिली है, आई लव यू ऑल। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दे पाऊँ। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, मैं हूँ पूजा, और आई विश कि आपका क्रिसमस बहुत ही अच्छा गया होगा, एंड जो भी आपके लाइफ में टेंशन्स है, सस्पेक्ट जो भी कर रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ भूल जाइए, स्टार्ट अ न्यू लव कनेक्शन, मत सोचिए इतना, ईगो, अपनी गुस्सा सब छोड़ दीजिए, एंड स्टार्ट अ न्यू लव लाइफ, ओके? आई विश कि आपकी लव लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो, बेटर हो, आप दोनों भी एक दूसरे के और करीब आए, और थर्ड पाइल के लिए तो डेफिनेटली ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है 2020 में।
ओके सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही है कमेंट करिए नीचे, फ्री है आपको, कोई पैसा नहीं देना है कमेंट करने के लिए, राइट? मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा, बस मैं मुझे अच्छा लगेगा. सो लेट्स एक्सचेंज लव, तो ही इस वर्ल्ड में और ज़्यादा लव हमें फील होगा, राइट? सो 2020 इज़ कमिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स आने वाले हैं 2020 में. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, हिट दैट सब्सक्राइब बटन जो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशंस बेल को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूले. डू कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो और हम बहुत ही एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ग्रो करें. ओके सो थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय.